गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले अगेन। आज फिर से हनले में ही है और मैं हूँ राइडर अपराजिता एंड आई एम ए मोटर व्लॉगर फ्रॉम असम। और ये हुआ कल हनले से हम सीधा जाने वाले थे क्या नयोमा, पर क्या हुआ हम लोग का रात हो गए थे, पंक्चर भी हो गया था तो हम लोगों यही रुकना पड़ा। तो मैं हूँ लद्दाख राइड पे और यहाँ बहुत सारे मुश्किलें भी हो रहा है, पर सब सारे मुसीबतें हम चैलेंज फेस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम सीधा निकल जाएंगे सोमोरी में। Let me take you for a ride, dancing with the lights. Our hearts beat like a drum tonight. ओ बाइक ইয়াতে একো চুটো নহয়, সব বস্তু বাহিৰতে ৰাখি যাব পাৰি, বাইকৰ চবেই বাইকতে আছে। পেলালো জানো, পাৰিলো নাই, পাতল লাগিছে, এই ফিক্সকে ভৰাই ল'ব লাগিব, হয়নে? সেইটোত গাহাত কিটান ও উধৰছে লেফ্টছে নেই ভাইয়া, হৈ যায়গা এই টেণ্টটোত দাদাৰ যো বেটা হে না, ভাইয়া কা বেটা ইয়াহ সো ৰহা হে অভি, পকটুক खा रहे हैं। और इसमें आटा लिया गया है और अंडा ऐसे सूप जैसा बनाया गया है। और ये जो ग्रीन लीफ ये पहाड़ में ही मिलता है और इसको लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत टेस्टी है। नो स्पाइसेस, सिर्फ बहुत हेल्दी हैं, सिर्फ सॉल्ट दिया है और ये जो जड़ी बूटी लहसुन दिया है, पर ये वाला हम लोग के जैसा लहसुन नहीं है। दीदी वहाँ है, जा रहे हैं हम, अभी जाएंगे ऑब्जर्वेटरी थोड़ा सा घूमने के लिए, चलो फिर चलते हैं। गेट क्लोज है, यहाँ से शायद जाने नहीं देंगे। मैं यही से आपको बोल देती हूँ, गामा रे टेलीस्कोप है यहाँ, तो उस गामा रे टेलीस्कोप से पूरा गैलेक्सी, पूरा स्पेस गैलेक्सी का ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट, तो इसके लिए मेनली हनले शहर को जाना जाता है। विल सी यू सून, फिर कभी मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय। तो एक सीरियल नंबर देते हैं, यहाँ जाते वक्त हम यहाँ से लेकर गए थे और आते वक्त हम बता के गए हैं कि हम यहाँ से निकल गए हैं बोल के। चलते हैं भैया, बाय बाय। ग्लेशियर का पहाड़, पत्थर के घर। 41 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, लाइफ और इमान माइलेज पुआ ना है, 22-23 हुए इसलिए। चॉकलेट ब्रेक, 70 किलोमीटर आ गए हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। क्रिकेट खेल चल रहा है, ये लोकल गेम चल रहा है, पर इतना सुंदर पहाड़ों के बीच ऐसे क्रिकेट गेम कितना खूबसूरत है ना, मजा लगी से। इमान धुनिया परिवेशर मजत खेली आसे न रोय पले साय बहुत ভাল লাগিছে। हमेशा तो बंद ही रहता है ये, आज तो है, देखो जब चाहिए तब नहीं होता है। ये है नयोमा पेट्रोल पंप, हर समय बंद रहता है पर आज खुला है। उस दिन जब हम आए थे लेह से तब ये बंद था। दिस साइड इज लेह, दिस वन सोमोरीरी। सोमोरीरी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर? सोमोरीरी 50-80 किलोमीटर। उधर राइट साइड से सीधा जाएंगे तो लेह मिलेगा, अभी हमको सोमोरीरी जाना है। दिस साइड यहाँ एंट्री करना पड़ता है। मैं यही ऐसे ही रहा, भैया गया जाके एंट्री करवाया, अभी हम जाएंगे फिर से सोमोरीरी। थैंक यू, नाइस टू सी यू, थैंक यू। तो जहाँ से आए थे हनले से, वहाँ भैया और दीदी ने बोला था कि यहाँ सोमोरीरी में वहाँ से भी ज़्यादा ठंड है, तो ग्लेशियर्स तो दिखाई दे रहे हैं हमें। चाय पी लेते हैं थोड़ा, यहाँ पहुँच ही गए हैं। ये कुशन आज अच्छा नहीं हुआ, भाई बोल रहे थे। कॉफ़ी पी के हम अभी आ रहे हैं। ये रास्ता नया लग रहा है, पहले शायद ख़राब था रास्ता बहुत। क्यागार पास में है अभी, और ये क्यागार पास का रास्ता डाइवर्जन नीचे उतरने में थोड़ा सा हिलेगा।
यहाँ हानले हो या समोरेरी, यहाँ होमस्टेज का दाम बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन में एक रूम का 3000 होता है, तो बहुत कॉस्टली है। जैसे श्रीनगर में ऐसा था कि एक दिन में 1500 ही था सिर्फ। तो अगर टेंट में ठंड नहीं लगेगा या बाथरूम करने का सुविधा ठीक होगा तो हम टेंट में ही रहेंगे। ख़राब रास्ता संभाल के आना। ओ हो, ये क्यागर लेक शायद गुरुडोंगमार जैसा लगी से ना देखने में, मतलब गुरुडोंगमार जैसा नहीं एग्जैक्टली, पर बहुत ऊंचाई पे हाइट पे एक लेक देखने से गुरुडोंगमार का याद आ गया है। ऐसे जगह से बाइक से आना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ ओपन होता है, देखने में मज़ा आता है। पर गाड़ी में सिर्फ विंडो से जितना दिखता है उतना ही देख पाते हैं। खराब रास्ता, ऊपर जाना पड़ेगा शायद। चलो इतना ख़राब नहीं है, मतलब नहीं, रुकने के बाद जब हम पिक लेते हैं ना तब थोड़ा सा वो होते हैं, शेक जब करते हैं, पर जब मोमेंटम पे रहते हैं ना बाइक तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो जो लाइन है ना, ये जहाँ से गाड़ी जा रहा है उस लाइन से ही हम जा रहे हैं। लेक व्यू, रास्ते का व्यू, पहाड़ का व्यू, आसमान का व्यू, सबका व्यू, लाजवाब, खूबसूरत, मज़ेदार और क्या क्या है सब कुछ लगा दीजिए। मेरा जो सफ़र वही मेरा घर, दुनिया की नहीं परवाह। वहाँ बारिश हो रहे हैं, आगे देखिए। अब हम हैं क्यागर लेक पे और क्यागर लेक का नज़ारा इतना खूबसूरत है। अब चारों तरफ, मतलब ऐसे सर्कल जैसे जो पहाड़ है ना, सारों पहाड़ में ग्लेशियर है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ इसके पहाड़ के नीचे और वहाँ से भी थोड़ा सा ग्लेशियर नज़र आते हैं। तो इतना खूबसूरत व्यू मैं क्या बताऊँ। ये तो क्यागर लेक छोटा है, इससे भी बहुत बड़ा लेक हम आपको दिखाने वाले हैं। चमोलीरी जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेक के लिए जाना जाता है, तो वहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। और वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर आप लोगों को। और देखिए ये लेक का जो कलर है ना, लेक का कलर ब्लू ग्रीन ऐसा है और साइड में थोड़ा सा व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा फ्रोजन है शायद, पता नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है। और विंटर में ये पूरा लेक फ्रोजन हो जाते हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं फील कर पा रही हूँ स्नोफॉल, मैं इस लाइफ में कभी स्नोफॉल फील ही नहीं कर, पहली बार स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पहला वाला जो था कहाँ, जो जिला पास में वो हेल स्टॉर्म था, मतलब छोटा छोटा पत्थर गिरा था, पर ये प्रॉपर स्नोफॉल थोड़ा ही सही पर फील ले पा रही हूँ मैं। ये रास्ता देखिए ना कितना सुंदर है और स्नोफॉल्स हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा, एकदम बहुत नहीं। हम ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं और हवा बहुत तेज से आ रहा है और एक लेक दिख रहा है, जस्ट हल्का सा एक व्यू दिख रहा है। मेडिकल सेंटर ये ऐसे ही है, देखिए मेडिकल सेंटर कैसा है यहाँ, एम्बुलेंस भी है एक। समुद्री लेक दिख रहा है यहाँ से, वो ग्लेशियर पहाड़ के नीचे। बहुत दूर आया, ख़त्म नहीं हो रहा है रास्ता। ये इस रूट पे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। ये कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, ये घर विलेजर्स का तो नहीं लग रहा है, बीआरओ का हो सकता है या पता नहीं क्या है। बाली असरे बिहारा से ही इतना भारी बाइक ऐसे ऐसे चला गया था। ये कितना बड़ा लेक है। हम पहुंच गए हैं चमोलीरी लेक। यहाँ कैंपिंग करने में बहुत मजा आएगा। मक्खी है ना, कुछ मक्खी जैसा कुछ है, ये सब बहुत ज्यादा है। ये क्या है, ओहो ये देखिए कितना ज्यादा आगुरी धरी से क्या मुख।
মাগুৰি ধৰিছে ইমানে বেছি মাখি আমি পলাইছো কামুৰিলে একো নহলে হল কিটা সুন্দর হে পর মাখি এ পুক কে বজে সে ইনসেক্ট কে বজে সে হাম নহি রুক পায়ে এসা লাগা কি হামকো হি উঠা লেকর জায়েঙ্গে ও ইনসেক্ট আহা আচ্ছা রাস্তা মিল গয়া अच्छा रास्ता मिल गया मन जाए मोरो मन जाए भारत के इस पार्ट में इतना खूबसूरती छुपा हुआ है कि देख देख के भी खत्म नहीं होते हैं और जितना भी देखो देखकर रहने का ही मन करते हैं। चिन्मयना बोल रहे हैं कि मुझे प्रे करने के लिए बोल रहे हैं ताकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहे, नहीं तो हम लोगों का बैटरी आप लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इतना रेत से हम लोगों को आना पड़ रहा है, लागे हम रख के जब आएंगे अच्छे से घूमेंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए सोलर पैनल है, बहुत सारे बर्फ के पास भी आ गए हैं सच। ठंडा ना लगे, थोड़ा और भी आगे जाके देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, पर अच्छा है। 5,500 यहाँ टेंट में होटल से भी ज़्यादा दाम बता रहे हैं। तो होटल में तो खाना पीना मतलब यहाँ एक साथ ही ले लेते हैं, होटल का प्राइस के साथ खाना पीना ब्रेकफास्ट डिनर लंच 5,500 बोला यहीं पे, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी हम आके पहुँचे हैं ये सोमोरिरी लेक और यहाँ आके हम टेंट ढूंढ रहे हैं। तो हम जितना हो सके बजट में ढूंढ रहे हैं क्योंकि घूमना बहुत है, ढूंढ रहे हैं, बजट में मिल नहीं रहा है। रूम अच्छा है, बजट में भी मिल गया, 2,500 में मिल गया। यहाँ से बढ़िया सा व्यू भी दिखने को मिलता है वो सोमोरिरी। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it. লাহানে হ্যাঁ শিলগুড়িটা স্লিপ করে आगे भी एक व्यू पॉइंट है पर वो बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। और जहाँ से हम आए थे उसका व्यू मतलब वो रास्ता कैसा था आप लोगों को पता चल रहा है ना, मैं वीडियो भी करके लाई थी। जमीन पे पैर नहीं लगता है मेरी और मतलब कितना सारा धूल, रेत भी नहीं है वो धूल मतलब इतना बड़ा बड़ा। पर जैसे जैसे हम आ गए और उसके बाद यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद ये तो बहुत सुकून सा जगह मिला हम लोगों को। बहुत देर यहाँ रुका, बहुत देर उसके बाद ये रिवर सॉरी ये लेक देखा, सोमोरिरी लेक देखने के बाद क्या ही बोलूँ, इसका सौंदर्य इसका ब्यूटी कैसे मैं बयान करूँ, कैसे कहूँ।
आप खुद ही देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो मैं हूँ राइडर अपराजिता और आई एम ए मोटो ब्लॉगर फ्रॉम असम। मैं हूँ लद्दाख राइड पे। अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जैसे आप लोग कमेंट्स पे मैसेज कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो पे भी करिए, मेरा लद्दाख राइड का जो भी वीडियो जैसा भी लगे आप लोगों को आप बता सकते हैं। तो ये मेरे पहली बार ऐसे लॉन्ग राइड पे आई हूँ मेरे कल्कि के साथ। मैंने यहाँ पर इस बाइक का नाम रख दिया है कल्कि। तो कल्कि के साथ फर्स्ट टाइम इतने लॉन्ग राइड पे आई हूँ। होप आगे भी जाएंगे आप लोगों के प्यार से, और भी आगे जाएंगे। तो देखते रहिए राइडर अपराजिता। थैंक यू।